राजस्थान चुनाव में मतदान को लेकर जनता से नेता समेत सभी उत्साह में नजर आ रहे हैं। इसी कड़ी में किन्नर समाज भी वोट देने के लिए उमड़ पड़ा है। वहीं अजमेर में भारी संख्या में किन्नर समाज ने अपने मत का प्रयोग किया और सरकार को धन्यवाद दिया। बता दें कि अजमेर जिले की 8 विधानसभा में सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो चुकी है, जो शाम 6 बजे तक होगी। इसे लेकर पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए हैं। हर विधानसभा क्षेत्र में शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव करवाने की जिम्मेदारी सभी को दी गई है। जिले के 950 बूथ चिन्हित किए गए हैं। इस पर निगरानी के लिए माइक्रो ऑब्जर्वर, वीडियोग्राफर, वेबकास्टिंग की व्यवस्था भी की गई है। सुरक्षा के लिहाज से पैरामिलिट्री फोर्स भी यहां तैनात है। सब पर नजर रखने के लिए अभय कमांड सेंटर के पास कंट्रोल रूम बनाया गया है। कंट्रोल रूम से बूथों पर हर वक्त निगरानी रहेगी। वहीं अजमेर के किन्नर समाज ने मतदान करने के बाद खुशी जाहिर करते हुए बताया कि हमें मतदान करने के बाद बहुत खुशी मिली। यह समझ लीजिए सारे त्योहार हमारे लिए आज ही हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि हमें जो वोट डालने का अधिकार मिला है, इससे हम लोगों की पहचान हुई है और हमें एक पहचान भी मिली है। हम भी इंडियन हैं, भारतीय हैं। सरकार चुनने का जो हमें अधिकार मिला है, इससे हमारे समाज को इतनी खुशी है कि हम जाहिर नहीं कर सकते। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट। आप बताओ, आज मतदान को लेकर कितना उत्साह है? आज हमको मतदान से लेकर तो इतना उत्साह है कि हम बता नहीं सकते। हमारी दिवाली, ईद, जो भी इंडियन फेस्टिवल है, जो भी त्योहार है, वो सारे त्योहार एक आज एकत्रित हो गए हैं। हम लोगों को ये जो वोट डालने का अधिकार मिला है, इससे हम लोगों की पहचान हुई है किन्नर समाज की, कि हम लोग भी इंडियन है, भारतीय लोग है, भारत के लिए जीते हैं, भारत के लिए मरते हैं। और भारत की सरकार चुनने का जो हमको अधिकार मिला है, किन्नर समाज को वोट डालने का अधिकार है, उसकी तो खुशी हम कह ही नहीं सकते। कितनी खुशी है हम लोगों को। हंगामा टाइम्स की तमाम खबरों को देखने के लिए हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन प्रेस कर अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में देना।